हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द बेसिक एलिमेंट्स ऑफ क्राइम। देयर आर टू बेसिक एलिमेंट्स ऑफ क्राइम, एक्ट सीरियस और मैंजरिया। एक्ट सीरियस इज अ क्रिमिनल एक्ट और मैंजरिया इज द गिल्टी ऑफ माइंड और इंटेंशन टू डू एक्ट और ओमिशन। इन एक्ट सीरियस अ क्रिमिनल वॉन्ट्स टू प्रिपेयर हिमसेल्फ फॉर डू अ क्राइम और इन मैंजरिया ही इज सेट हिज स्टेट ऑफ माइंड टू डू समथिंग विच हार्म समबॉडी। एक्ट सीरियस इज अ फिजिकल एक्टिविटी दैट हार्म अनदर पर्सन। मैंजरिया इज आल्सो द प्लानिंग और कॉन्स्पेरेंसी और सम प्लानिंग टू हार्म समबॉडी एल्स और हिज प्रॉपर्टी इवन हिज फेम। In act serious requires something conduct where act or omission on the part of accused. Like जब भी कोई person कोई crime commit करने लगेगा तो किसी भी crime को commit करने के लिए उसके पास दो elements का होना ज़रूर है। Act serious में वो अपनी physical force को use करेगा किसी भी इंसान को harm पहुँचाने के लिए, नुकसान पहुँचाने के लिए। उसमें उसकी प्रॉपर्टी भी हो सकती है, उसमें उसकी फेम भी हो सकती है और उसमें उसकी फिज़िकल अपेयरेंस भी हो सकती है। मैंजरिया क्या होता है? मैंजरिया ये होता है कि जब हम किसी क्राइम को कमिट करने के लिए एक प्रॉपर प्लानिंग करते हैं उसको मैंजरिया कहते हैं। एक्ट सीरिया में क्या होता है कि सम टाइम हम फिज़िकली अपने आप को यूज़ करते हैं लेकिन हमारे माइंड में किसी को हम पहुँचाने के लिए कोई प्लानिंग होती नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक बंदा गाड़ी ड्राइव कर रहा है और बाय एक्सीडेंट कोई बंदा आगे आ जाता है और वो कुचला जाता है, उसकी डेथ हो जाती है, उसमें उसका एक्ट सीरियस तो मौजूद था, उसने फिज़िकल एक्टिविटी की और अगले बंदे को हार्म भी हुआ, लेकिन उसका मैंजरिया मौजूद नहीं था। उसने ये प्लानिंग नहीं की थी कि मैं इस बंदे को मार दूँ। तो क्राइम तो कमिट हुआ लेकिन फर्स्ट एलिमेंट यूज़ हुआ और सेकेंड एलिमेंट यूज़ नहीं हुआ। इसी तरह से एक्ट सीरियस बहुत सी केसेस में आता है जब आप क्राइम को कमिट कर देते हैं और आपका क्राइम कमिट हो जाता है लेकिन आपने उसके लिए प्लानिंग नहीं की होती। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप मिस्टेकनली कुछ ऐसा करते हैं जिससे किसी दूसरे को हार्म हो जाता है लेकिन आपने इंटेंशनल उसके लिए प्लानिंग नहीं की हुई। इसी तरह से इंटॉक्सिकेशन है या एक ऐसा बंदा है जो अनसाउंड माइंड है, उसको पता ही नहीं है कि वो क्या कर रहा है। जैसे कि एक बंदा है वो इंटॉक्सिकेशन में है, उसने कोई नशा किया है और उसको नहीं पता कि मैंने अगले बंदे के सर में कोई चीज़ मारी है जिससे उसकी डेथ हो गई। इसमें उसका एक्ट सीरियस था लेकिन उसका मंजरिया मौजूद नहीं था। लाइक उसने कोई प्रॉपर प्लानिंग की ही नहीं लेकिन अगले बंदे को क्या हो गया, हम हो गया। तो जब भी कोई क्राइम कमिट होगा उसके लिए दो चीज़ों का होना ज़रूरी है, फर्स्टली एक्ट सीरियस और सेकेंडली मंजरिया। तो एक्ट सीरियस जो है वो अपने सारे एलिमेंट्स को पूरा करने के लिए, जो भी क्रिमिनल एक्टिविटी होती है उसको पूरा करने के लिए काफ़ी नहीं होता जब तक मंजरिया ना हो। इसीलिए जो कोर्ट है, जो कोर्ट ऑफ जस्टिस है, वो बहुत सी चीज़ों में जब एक्ट सीरियस होता है और मंजरिया नहीं होता तो कुछ एक्सेप्शंस देती। वो एक्सेप्शनल जो चीज़ें हैं उनकी एक अलग वीडियो बनाएंगे जिसमें वो सब कुछ शेयर करेंगे। और आज जो हम कर रहे हैं वो सिर्फ एक्ट सीरियस और मंजरिया को कर रहे हैं। इसकी और भी एग्जाम्पल्स आगे जाके देखेंगे और मैंजरिया पे भी मज़ीद बात करेंगे, लेकिन हमारी नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ स्टे विद अस, सब्सक्राइब आवर चैनल एंड लाइक अस। थैंक यू सो मच।